नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम। पूजनीय विद्यागुरु क्षमा सागर मुनिराज एक ऐसे साधु थे जिनकी वक्तृत्व कला संघ में सर्वश्रेष्ठ थी। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री वो दीक्षा गुरु और पूज्य क्षमा सागर महाराज श्री, चूँकि हम लोगों को उन्होंने आलाप पद्धति पढ़ाई थी तो वो विद्या गुरु हो गए। और विद्या गुरु में और भी कुछ मुनिराज हैं जिन्होंने आचार्य श्री के निर्देशानुसार हम लोगों को कुछ ग्रंथ पढ़ाए थे। तो क्षमा सागर मुनिराज में एक विशेषता थी कि वो कला को पहचानते थे, वो संगीत को समझते थे और वो जो कहते थे वो हृदय से कहते थे। और जब कोई करुण दृष्टांत उनके मुख से निकलता था तो उनकी और श्रोताओं की आंखें भीग जाती थी। उनके वचन हृदय को छूते थे, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य हमें गुरु की आज्ञा से 10 महीने तक प्राप्त हुआ। और 10 महीने में हमें 108 बार मंच पर बोलने का अवसर मिला और उसमें पूज्य मुनिवर बहुत सुंदर ढंग से समझाते थे कि किन शब्दों का प्रयोग संयमी करते हैं और किन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि देखो, अपन सब दीक्षित हैं तो अपने लिए जो नारी जाति है वह माता बहन और बेटी के समान है, तो अपने मुख से कभी भी औरत स्त्री जैसे शब्द किसी के प्रति न निकले, ये संयम रखना होगा। बड़ी अद्भुत बात थी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ने वो विभाजन कर दिया, जीवन में बदलाव ला दिया कि अब वो शब्द नहीं आएंगे क्योंकि दृष्टि बदल चुकी है। कोई भी अपनी बेटी को, अपनी बहन को या माँ को स्त्री नहीं कहता, औरत नहीं कहता, वो एक पवित्र भाव रहता है। ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं देते थे वो और कहते थे कि अपन साइंस के बारे में पढ़ते हैं लेकिन बोलते समय संयम रखना पड़ता है कि साइंस की हर बात
डॉक्टर की भाषा में संयमी के मुख से नहीं निकल सकती। न जाने ऐसे कितने प्रसंग हैं, कितने संस्मरण हैं। उनके साथ बैठकर आचार्य श्री ने हम लोगों को एक बुक दी थी पढ़ने, सन साइंस करके, तो हम पढ़ते थे, अर्थ करते थे, महाराज श्री बैठते थे, फिर दोनों मिलकर के, वो एक इंग्लिश बुक ललितपुर से मिली थी, अनुपम चौधरी जी के हाथ से प्राप्त हुई थी, तो वो करते थे। फिर कहते हैं कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती है, बहुत कम ऐसे स्थान होते हैं जहाँ दोनों होती हैं। तो साधुओं के जीवन में ऐसा क्या है लक्ष्मी सरस्वती वाला? तो बोले कि जिनके पास ज्ञान अधिक होता है उनका शरीर थोड़ा तप करने में कुछ कम पड़ जाता है, और जो कठोर तपस्वी होते हैं वो अध्ययन करने में थोड़े कम होते हैं।